उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने असंभव को संभव बनाया है। मंगलवार 7 दिसंबर का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन गोरखपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 8,603 करोड़ रुपए के खाद कारखाना 1,011 करोड़ से गोरखपुर में ही बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और 36 करोड़ की लागत वाले RMRC के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। 7 दिसंबर को पीएम मोदी के गोरखपुर आगमन और इस दौरान उनके हाथों लोकार्पित होने वाली विकास परियोजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को खुद दी। रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में पत्रकार वार्ता में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन सपनों को साकार करने आ रहे हैं जिन्हें पिछली सरकारों की नाकामियों ने नकारा सा बना दिया था। पीएम मोदी के हाथों 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए जो नामुमकिन था उसे पीएम मोदी ने नामुमकिन कर दिखाया है, असंभव को संभव बना दिया है। पीएम ने व्यापक जनहित में किसानों, महिलाओं, नौजवानों, बच्चों की खुशहाली व क्षेत्र के उन्नयन के लिए ये परियोजनाएं उपलब्ध कराई हैं, जबकि विपक्ष इसे अब तक वोट बैंक ही समझता था। हम लोग, पूरी राज्य सरकार भी और हर नागरिक, कि जो विपक्ष के लिए नामुमकिन था मोदी जी ने उसके मुमकिन बनाया है, जो विपक्ष के लिए असंभव था उसे मोदी जी ने संभव बनाया है, जो विपक्ष के लिए वोट बैंक था मोदी जी ने व्यापक जनहित में किसानों का, गरीबों का, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए ये बेहतरीन सुविधा के लिए ये बड़े संस्थान यहां पर इस क्षेत्र के उन्नयन के लिए, यहां की समृद्धि के लिए, यहां की खुशहाली के लिए उपलब्ध कराए हैं। और इस दिशा 7 दिसंबर की तिथि पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा, उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा महत्वपूर्ण तिथि होगी और इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार यहां के स्थानीय नागरिकों के साथ, सुधीजनों के साथ, भारतीय जनता पार्टी, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के साथ और जो यहां से जुड़ी हुई इन समस्याओं के प्रति चिंतित थे उन सभी संगठनों को अपने साथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के भव्य स्वागत की तैयारी के लिए हम सब पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के कार्य करेंगे। मुझे यही सूचना आपको देनी थी। फर्टिलाइजर का जो कारखाना है वह लगभग 600 एकड़ क्षेत्रफल में बना है। एम्स 112 एकड़ क्षेत्रफल में यहां पर बना है। फर्टिलाइजर के निर्माण में जो यहां पर पैसा कुल खर्च हुआ है वह 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इस पूरे प्लांट पर खर्च हुई है। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर के उस पर लगभग 1,011 करोड़ रुपए एम्स के निर्माण में खर्च हुए हैं और जो हम लोग यहां पर ICMR का एक सेंटर यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं इस पर भी लगभग 36 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर, जो यहां पे नई लैब्स बनी है, इंटरनेशनल मानक के अनुरूप लैब्स बनी है, इन पर इतना पैसा खर्च हो चुका है। पूरे सेंटर, सभी संस्थान बनकर के तैयार हुए हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।